तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस चक्कर में ब्लॉग बना नहीं पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज है 18 सितंबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले बताऊंगा कि इतने दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस चक्कर में घर से कहीं बाहर आना जाना हो नहीं रहा था। मुझे घर में ही करीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं और आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा घर से बाहर निकलूँगा आज और दिखाऊँगा आपको आज के रूटीन में क्या होता है। तो चलिए रेडी होते हैं और निकलते हैं बाहर और दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना होता है आज, क्योंकि आई होप आपको वो जगह पसंद आए आज, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आज के ब्लॉग में। तो मैं निकल चुका। By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. तो दर्शन करके तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि अभी वहाँ बंद होने का टाइम था और वो फ़ोन भी यूज़ नहीं करने दे रहे थे, तो थोड़ा बहुत ही मैं शूट कर पाया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर और दिखाता हूँ आपको आगे। तो रिक्शे वाले ने ऐसी जगह छोड़ा मुझे, अब मुझे वापस घूम के जाना पड़ेगा। चलिए बस स्टैंड पे चलते हैं और चलते हैं।
के बाद आज बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं एक पार्क में बैठा हुआ हूँ क्योंकि कमरे में जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है और एकदम घुटन से होने लगती है, तो इतने खुले खुले में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी आवाज़ में भी थोड़ा चेंजेस लग रहा है मेरे को, और थकान भी हो चुकी है मेरे को, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अब, तो इसीलिए मैंने सोचा आज थोड़ी तबीयत ठीक सी लग रही है तो माता के दर्शन कराऊं, क्योंकि कब से मेरा मन था मंदिर जाने का और टाइम की वजह से या किसी और वजह से जा नहीं पा रहा था, तो आज मैंने थोड़ी हिम्मत करी और माता का बुलावा भी आज आया होगा तो दर्शन हो आए, दर्शन कर ही आए माता के, तो बहुत अच्छा लग रहा है माता के दर्शन करके आज। तो चलिए काफ़ी रेस्ट हो चुका है और घर की ओर चलते हैं, अब खाना वाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं फिर, क्योंकि अब थोड़ा सर में भी दर्द होने लगा है मेरे, तो दवाई खाने का भी टाइम हो रहा है, तो दवाई लेते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं घर की। टाइम पे छत पर आया हुआ हूँ मैं, काफ़ी टाइम बाद आज आया हूँ ऊपर, और अभी कपड़े उठाने थे तो कपड़े उठाते हैं और नीचे खाने बनाने की तैयारी करते हैं। तो इवनिंग टाइम का मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है अभी, तो दिन में मंदिर से आने के बाद कहीं जाना तो हुआ नहीं, मैं फिर घर आके खाना खा के सो गया था, और अभी शाम के टाइम पे उठा था और थोड़ा छत पे घूम के आया था, और अभी मैंने खाना वाना बना लिया है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आई होप आपको पसंद आए ये ब्लॉग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।